प्रणाम देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 मी में। साथियों, कुछ वर्षों में लोगों के संवाद करने का तरीका काफ़ी बदल गया है। पत्र लिखने से लेकर कुछ दिनों में उनके डिलीवरी होने की प्रतीक्षा से लेकर मिनटों में लिखकर उन्हें सेकंड में डिलीवर करने तक इंटरनेट ने पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। इस वीडियो में हम भारत की दो सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो बनाम एयरटेल पर एक नजर डालेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से YouTube को पता चलता है कि ये जो वीडियो है नॉलेजेबल है और इन्फॉर्मेटिव है, जिससे कि फिर YouTube इसे और लोगों तक पहुंचाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक करके दूसरों का भला जरूर करें। और अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले है इस उद्योग की समीक्षा। भारत एक मोबाइल पहल देश है और सेल्युलर इंटरनेट हर व्यक्ति के डिजिटल जीवन का केंद्र है। यह एक तरीका है जिससे वे संवाद करते हैं, उपभोग करते हैं और सामग्री बनाते हैं, वाणिज्य करते हैं और समुदाय से जुड़ते हैं। वर्तमान में भारत 1.16 बिलियन के ग्राहक आधार के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है और पिछले कुछ दशकों में इसमें बहुत अच्छे से वृद्धि देखी गई है। यह सेक्टर पिछले कुछ समय से दबाव में है, उस कारण से दूरसंचार क्षेत्र को सितंबर 2021 में इस क्षेत्र में वित्तीय तनाव को कम करने के लिए बेल आउट पैकेज दिया गया था। दूरसंचार उद्योग ने सरकार से एक और राहत पैकेज की मांग की है ताकि वे सस्ती 5G सेवाएं शुरू कर सकें। एरिक्सन द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 5G तकनीक 2037 के अंत तक भारत में लगभग 39% मोबाइल सब्सक्रिप्शन का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसका अनुमान लगभग 500 मिलियन सब्सक्रिप्शन है। दूरसंचार विभाग DOT ने घोषणा की है कि इस साल यानी 2022 में महानगरों सहित भारत के 13 भारतीय शहरों में वाणिज्यिक या फिर कॉमर्शियली 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। एयरटेल एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा कंपनी है। एयरटेल अलग-अलग देश के संचालन के आधार पर 2G, 4G, 4G LTE, 4G प्लस मोबाइल सेवाएं, फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड और वॉइस सेवाएं प्रदान करता है। एयरटेल ने सभी भारतीय दूरसंचार सर्कल्स में अपनी वोल्टी तकनीक रोल आउट की थी। यह दक्षिण एशिया और अफ्रीका के 18 देशों में संचालित होता है। रिलायंस जियो, ध्यान देने की बात यह है कि रिलायंस जियो एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, मतलब ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। जियो दूरसंचार उद्योग में विघटनकर्ता के रूप में आया, जिसने कई दूरसंचार कंपनियों को उखाड़ फेंका। यह भारत की सबसे बड़ी भारतीय दूरसंचार कंपनियों में से एक है। भारत के सबसे बड़े 4G और मोबाइल ब्रॉडबैंड डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में खड़ा है। यह सभी 22 दूरसंचार सर्किलों में कवरेज के साथ LTE नेटवर्क संचालित करता है। वित्त वर्ष 2021 में रिलायंस जियो द्वारा अर्जित सकल राजस्व 46,493 करोड़ रुपए था, जबकि उसी साल एयरटेल की कमाई 64,325 करोड़ रुपए रही। और फाइनेंशियल 2021 में जियो का एबिटडा 32,359 करोड़ रुपए था, जो कि इसकी समकक्ष एयरटेल से अधिक है, जिसने 28,650 करोड़ रुपए का एबिटडा बताया। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जियो ने 12,534 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि इसके करीबी प्रतिद्वंदी एयरटेल ने 25,198 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा पोस्ट किया था। ग्राहक आधार, रिलायंस जियो ने लगातार तीसरी तिमाही में अपने शुद्ध ग्राहकों में गिरावट देखी है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के फोर्थ क्वार्टर मार्च में जियो के शुद्ध ग्राहक 10.8 मिलियन गिरकर 410 मिलियन हो गया। प्रबंधन ने मुख्य रूप से इस नुकसान के लिए सिम कंसोलिडेशन को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर एयरटेल ने नए ग्राहक हासिल करना जारी रखा और कंपनी ने 2.25 मिलियन ग्राहक जोड़े, जिससे मार्च 2022 में इनकी ग्राहक संख्या 360.03 मिलियन हो गई। कौन करेगा 4G की रेस में लीड? तो एयरटेल यह पहली भारतीय संचार कंपनी थी जिसने नवंबर 2021 में नोकिया के साथ साझेदारी में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5G का परीक्षण संचालन किया था। इसके अलावा कंपनी ने नवीनतम चिकित्सा उपकरणों, रोगी निगरानी और टेलीमेट्री उपकरणों से लैस 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस बनाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल और सिस्को के साथ साझेदारी की है, जो मरीजों के स्वास्थ्य डेटा को बहुत तेजी से वास्तविक समय में अस्पताल तक पहुंचाएगी।
वहीं जियो की बात करें तो रिलायंस जियो ने भारत सरकार द्वारा हाल ही में संपन्न स्पेक्ट्रम नीलामी में पूरे भारत के सभी 22 सर्कल्स में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। इस अधिग्रहण के माध्यम से रिलायंस जियो का कुल स्पेक्ट्रम 56% बढ़कर 1732 मेगाहर्ट्ज हो गया है, जहां जियो ने अपना 5G स्टैक विकसित कर रखा है। अधिग्रहित स्पेक्ट्रम का उपयोग उचित समय पर 5G सेवाओं के लिए किया जा सकता है। स्पेक्ट्रम की उधारी भारतीय एयरटेल ने ब्याज के रूप में होने वाले खर्च में कटौती के लिए 8,815 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम बकाया चुकाया है, जिसे 2015 में हासिल किया गया था। ये भुगतान फाइनेंशियल ईयर 2027 और 28 में देय थे, लेकिन पहले भुगतान के बाद एयरटेल के पास लगभग 67,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम बकाया है और 25,000 करोड़ रुपए का सकल राजस्व बकाया है। वहीं रिलायंस जियो इन्फोकॉम जियो ने दूरसंचार विभाग को 30,791 करोड़ रुपए का भुगतान किया। जियो ने स्पेक्ट्रम के लिए अपने सभी बकाया का भुगतान कर दिया है। इस कदम से मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले जियो को सालाना 1200 करोड़ रुपए बचाने में मदद मिलेगी। अब वैसे भी मुकेश चाचा के पास पैसे की कभी थोड़ी ना है। आरवी दर्शाता है कि कंपनी उस पूंजी का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह कर रही है जिसे शेयर धारकों ने कंपनी में निवेश किया है। पिछले 3 वर्षों में एयरटेल ने नकारात्मक अनुपात देखा है, हालांकि एक कंसोलिडेटेड कंपनी के रूप में रिलायंस ने सकारात्मक आरओई बनाए रखा है। इसके बाद है आरओसीई। आरओसीई से पता चलता है कि कंपनी अपनी वित्तीय पूंजी और संसाधनों का कितना अच्छा प्रबंधन कर लाभ अर्जित करने में सक्षम है। एयरटेल के अनुपात में गिरावट देखी गई है, रिलायंस में भी पिछले 3 साल में गिरावट का रुख देखा गया है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस कंपनी का कमाई प्रति शेयर ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर दिखाता है, मतलब कंपनी प्रत्येक शेयर के लिए कितना कमाती है। भारतीय एयरटेल ने पिछले 3 वर्षों में नकारात्मक ईपीएस देखा है और दूसरी ओर रिलायंस में एक बढ़ती प्रवृत्ति की ईपीएस देखी गई है। भविष्य की संभावनाएं एयरटेल कंपनी अपनी क्षमता को उन्नत करने और अपने ग्राहक आधार को मजबूत करने के साथ साथ अपने संचालन की लागत को कम करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। अपने क्लाउड व्यवसाय के लिए एयरटेल ने अमेज़न वेब सर्विस AWS के साथ साझेदारी की है। प्रमुख डिजिटल परिवर्तन लाने के प्रयास में कंपनी एयरटेल IQ, एयरटेल सिक्योर जैसे समाधानों पर काम कर रही है। वहीं रिलायंस जियो कंपनी जो है कई कंपनियों के साथ मिलकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। जियो खुद एक संयुक्त उद्यम जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में प्रवेश कर रहा है, जो भारत में अगली पीढ़ी की स्केलेबल और सस्ते ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। इसके अलावा यह एक प्रमुख AI संचालित लॉक स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म ग्लेंस में भी $200 मिलियन का निवेश कर रहा है। यह वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन लॉक स्क्रीन पर इंटरनेट लाने के ग्लेंस के विजन को तेज करने के लिए है। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन देखें तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग से पेट्रोकेमिकल है और इसके अंदर में जियो सेक्टर भी आता है, और जियो जैसा कि हम जानते हैं कि वो पूरा एक ग्रुप है, इसीलिए रिलायंस के बीच में और एयरटेल के बीच में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप लोगों की खुशी के लिए हम इनका फाइनेंशियल देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,93,884 करोड़ का है, जो डिविडेंड यील्ड है 0.30% का है। कंपनी का जो पिछले साल का जो सेल्स रहा 6,98,672 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट है 60,705 करोड़ का, और स्टॉक PE 70.9 का है, ROE 8.16%, ROCE 9.42% और डेट या फिर कर्ज कंपनी पे 3,19,158 करोड़ का है और कैश कंपनी के पास 36,178 करोड़ का रहा। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल का 50, पिछले 3 साल का 7 और पिछले 5 साल का 18% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 1 साल में 35, पिछले 3 साल में 14 और पिछले 5 साल में 14% से ही इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। साथ में CAGR देखते हैं तो पिछले 1 साल में 22%, पिछले 3 साल में 28% और पिछले 5 साल में भी 28% से CAGR बढ़ रहा है। साथ में ROE 1 साल में 8, 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 10% से इनका ROE भी बढ़ रहा है। साथ में ROCE भी पिछले 1 साल में 9%, पिछले 3 साल में 9% और पिछले 5 साल में 10% से
आर ओ सी ई भी बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 50.66% का स्टेक है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 24.23% का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 14.23%, वहीं गवर्नमेंट केस में 0.17% का स्टेक है और बाकी बचा पब्लिक के पास 10.71% का स्टेक है। और अब एयरटेल का फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 404,105 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 0.43% का है। सेल्स कंपनी का पिछले साल का 116,547 करोड़ का रहा और नेट प्रॉफिट कंपनी का 4,255 करोड़ का रहा। स्टॉक पी 8.19 का है, आर ओ 5.46%, आर ओ सी ई 12% का है और डेट कंपनी पे 169,678 करोड़ का है। कैश कंपनी के पास 13,494 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में 18%, पिछले तीन साल में 13%, तो 5 साल में 4% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। साथ में प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 171%, पिछले तीन साल में 156% और पिछले 5 साल में -3% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। साथ ही CAGR देखते हैं तो पिछले एक साल में 13%, पिछले तीन साल में 26%, पिछले 5 साल में 13% से इनका CAGR बढ़ रहा है। साथ में ROE पिछले एक साल में 6%, पिछले तीन साल में 3%, पिछले 5 साल में 2% से इनका ROE भी बढ़ रहा है। साथ ही ROCE भी पिछले एक साल में 12%, पिछले तीन साल में 10%, पिछले 5 साल में 8% से इनका ROCE भी बढ़ रहा है। होल्डिंग देते हैं तो प्रोमोटर केस में 55.93% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 18.54% का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 20.22% का, वहीं गवर्नमेंट केस में कोई भी स्टेक नहीं है और बाकी बचा पब्लिक के पास 5.31% का स्टेक है। तो ये था एक कंपैरिजन वीडियो रिलायंस जियो और एयरटेल के बारे में, कैसा लगा जरूर बताएगी नीचे कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएगा और आपके लाइक से दोस्तों यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि ये जो वीडियो है नॉलेजेबल है और फिर ये दूसरे लोगों तक का और पहुँचाते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।